नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। आज के बुलेटिन की शुरुआत हम ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की बीमारी से कर रहे हैं। आपको बता दें कि महारानी 92 वर्ष की हो चुकी हैं और इस उम्र में वे काफ़ी अस्वस्थ हैं। उनकी सलामती की दुआ पूरी दुनिया में मांगी जा रही है। हाल ही में उनकी स्थिति को देखते हुए सरकार के कुछ मंत्रियों ने महारानी के निधन के बाद रखी जाने वाली शोक सभा के लिए गोपनीय तरीके से अभ्यास किया है। आपको बता दें कि क्वीन के निधन पर ब्रिटेन में 12 दिन का शोक संभव है। एक अनुमान के मुताबिक 50,000 करोड़ रुपये घट सकती है GDP। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने गए 1500 भारतीय नेपाल और तिब्बत की पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम के बीच फंस गए हैं, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भारतीय अधिकारियों ने नेपाल के सिमिकोट से 104 लोगों को सुरक्षित निकालने की बात कही है। नई दिल्ली के बुराड़ी में सामूहिक सुसाइड मामले में पुलिस ने मंगलवार को परिवार के 20 रिश्तेदारों से पूछताछ की है। पुलिस ने परिवार के किसी तांत्रिक या बाबा के प्रभाव में होने की थ्योरी भी खारिज कर दी है। परिवार की स्थिति को समझने के लिए पुलिस अब मनोचिकित्सक की भी सलाह ले रही है। पुलिस को आशंका है कि परिवार शेयर्ड साइकोसिस नामक बीमारी से ग्रस्त था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सामूहिक जाति की शिकार 7 वर्षीय मासूम को मंगलवार को ICU में प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद बच्ची ने TV देखा और वीडियो गेम भी खेला है। अधीक्षक डॉक्टर BS पॉल ने बताया है कि बच्ची की सेहत में सुधार हो रहा है। वहीं कानपुर के महाराजपुर इलाके में 4 नाबालिग ने फोन पर फिल्म देखने के बाद 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया है। घटना 30 जून की बताई जा रही है। बच्ची के पिता की शिकायत पर चारों बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देश में पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक DGP के तौर पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। इंदौर से चंडीगढ़ और हैदराबाद के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। 1 अगस्त से जेट एयरवेज को इंदौर से चंडीगढ़ हैदराबाद के बीच 4 नई उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। इंदौर से चंडीगढ़ के लिए पहली बार सीधी उड़ान मिलेगी। इस फ्लाइट का संचालन सप्ताह में 4 दिन होगा। मध्य प्रदेश में 4.25 लाख कर्मचारियों में से अधिकांश के खाते में अब तक 7वें वेतन मान के एरियर की पहली किस्त की राशि नहीं आई है। 31 मई को आने वाली थी ये राशि। आपको बता दें कि 15 साल बाद प्रदेश में वेज एंड मींस मतलब राज्य सरकार का नगद फंड जो रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है तो 600 करोड़ रुपये से कम है। वहीं जवाबदारों का कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त फंड है, जल्द ही राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। मरीज को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा देने में भिंड का जिला अस्पताल नंबर 1 पर है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड से आए नतीजों से इसका खुलासा किया है। इस दौड़ में क्षेत्र के कई अस्पताल थे, लेकिन 96% अंक लाने वाले भिंड जिला अस्पताल देश का एकमात्र अस्पताल है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार पर पार्टी के पूर्व महिला कार्यकर्ता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। टीटी नगर पुलिस ने अहिरवार समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। मूलतः सीहोर निवासी महिला टीटी नगर में रहती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त महिला 1 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर, रंजीत हनुमान मंदिर और बिजासन माता मंदिर के प्रशासक पद को लेकर कलेक्टर निशांत बड़बड़े ने फिर बदलाव कर दिया है। 4 साल से इन मंदिरों के प्रशासक का काम पूर्व निगम आयुक्त मनीष सिंह संभाल रहे थे। उनके ट्रांसफर से कुछ दिन पहले ही यह प्रभार IDA के तत्कालीन CEO गौतम सिंह को सौंपा गया था। आपको बता दें कि उनके भी ट्रांसफर होने के बाद कलेक्टर ने इस बार 5 साल पुरानी SDM व्यवस्था को नए सिरे से लागू किया है। मंगलवार को जारी किए गए आदेश के तहत कलेक्टर ने संबंधित मंदिर क्षेत्र के SDM को पदेन मंदिर प्रशासक नियुक्त किया है। फ्लैट के नाम पर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में पिनेकल ड्रीम्स के आशीष दास को पुलिस ने 7 दिन के रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि आशीष दास के खिलाफ 9 पुलिस केस, 100 शिकायतें और कोर्ट में 300 मामले चल रहे हैं।
नासिक में सप्तशृंगी माता मंदिर में सोमवार को फ्यूनिकुलर ट्रॉली की सुविधा शुरू हो गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्रॉली का उद्घाटन किया है। मंदिर में देश भर से हर साल 40 लाख श्रद्धालु आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 500 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती थी। इस ट्रॉली को बनाने में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रत्येक यात्री की दर 80 रुपए रखी गई है, वहीं बच्चों के लिए 40 रुपए रखे गए हैं। एक बार में यह ट्रॉली 80 यात्रियों को लेकर जा सकती है।